प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा नौवीं की हिंदी विषय में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी विषय का पहला अध्याय है दो बैलों की कथा और उसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। आज हम उन्हीं के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के समीप लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिताजी अजायब राय डाकखाने में कार्य करते थे, वहां पर नौकरी करते। जब इनकी आयु मात्र 7 साल की थी तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु विमाता यानी दूसरी माता जो आई, इन्हें प्रेम की बजाय घृणा की दृष्टि से देखती थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो लड़ाकू प्रवृत्ति की होने के कारण वो विवाह सफल नहीं रहा। इन्होंने जैसे तैसे 10वीं कक्षा पास करके एक स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। इस बीच 1905 में इन्होंने बाल विधवा यानी एक की लड़की जो विधवा हो चुकी थी, ऐसी शिवरानी देवी से इनका दूसरा विवाह हुआ जो कि सफल रहा। इनकी पत्नी ने इनका कदम कदम पर सहयोग किया। 1922 में वे काशी विद्यापीठ स्कूल विभाग के हेडमास्टर नियुक्त हुए और इन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन किया। मूल नाम इनका धनपत राय था, हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखा और उर्दू में नवाब राय के नाम से इन्होंने लेखन किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया और अपना एक छापा खाना भी लगाया, प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई और 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने की और 8 अक्टूबर को इस कथाकार का देहांत हो गया। इनको हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और जो हम इस अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, और वो कथा भी इसी प्रकार से है कि एक बैलों के माध्यम से बहुत सारे मानवीय गुणों को इसके अंदर दर्शाया गया है। आशा है आपको वो पसंद आएगी और इसका, इस वीडियो लेक्चर का जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।